नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी का 27 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। क्या एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी का 27 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक नहीं करें, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपको मुरैना। क्या है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। देखिए मुरैना जिला की सीमा जो उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हुई है। क्या मुरैना जिला की सीमा जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका भारत रत्न। क्या है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्न। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखिए भारत रत्न है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। देखिए इस पुरस्कार को सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया, दिया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। अभी तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को दिया गया, अभी तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और खेल के क्षेत्र में पहली बार किसे दिया गया था, तो खेल के क्षेत्र में पहली बार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। खेल के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनवाया गया। आपको बताना है बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनवाया गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राबिया उद दौरानी। क्या राबिया उद दौरानी के नाम पर बीबी का मकबरा बनवाया गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है सबसे ज्यादा स्मोक सिटी कौन सी। आपको बताना सबसे ज्यादा स्मोक सिटी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता। क्या कोलकाता सबसे ज्यादा स्मोक सिटी वाली सिटी है। देखिए अधिक धुंध और प्रदूषण की वजह से कोलकाता को स्मोक सिटी कहा जाता है। क्या है अधिक धुंध और प्रदूषण की वजह से कोलकाता को क्या कहा जाता है, कोलकाता को स्मोक सिटी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा डाकघर केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा डाकघर केंद्र कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा बंबई में। कहाँ पर स्थित है, ये बंबई में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सर्वाधिक गैस के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कार्बन का अपरूप कौन सा है। आपको बताना है कार्बन का अपरूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा फुलेरिन। क्या है फुलेरिन जो आपको कार्बन का अपरूप है। क्या है कार्बन का अपरूप कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका फुलेरिन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है संविधान का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि संविधान का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्ट की उपासना दी गई। क्या संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्ट की उपाधि संशोधित संज्ञा दी गई है। देखिए मैग्ना कार्ट अधिकारों का वह पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंत के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र है, लिखित पहला पत्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है। आपको बताना है कि पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा गौड़ और भाड़िया। क्या गौड़ और भाड़िया जो आपके पातालकोट में जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि अनुच्छेद 323 के अनुच्छेद 323 का संबंध किससे। आपको बताना है कि अनुच्छेद 323 का संबंध किससे। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल से। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाईकोर्ट का बयान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपको बताना है हाईकोर्ट का बयान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अनुच्छेद 214। क्या हाईकोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका श्री विजय सामला। क्या श्री विजय सामला, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सीएफओ कौन है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सीएफओ कौन है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, जो आपके क्या है अंतर मुद्रा कोष के सीएफओ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था,
विश्व बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? आपको बताना है विश्व बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अजय बग्गा। क्या है? अजय बग्गा जो विश्व बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो दोस्तों क्लास में आपको सेकंड शिफ्ट के आपको सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस कराया। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद है क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। आप लोगों को जरूर बताना अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में पेपर था तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।